अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है पल्ला करम से ठीक होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बेलावान। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर दें कि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। तो आज आपको डी ए पी सब्सिडी के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, गंदम की सब्सिडी के बारे में भी और एन पी की सब्सिडी के बारे में भी। और कोई सवाल है जो लोगों ने पूछे और एक दोस्त ने मैसेज भी किया तो उसका रिप्लाई देते हैं उसको। कि भाई जान, उसने पूछा था कि जो किसान कार्ड है जिस आई डी कार्ड पर बना हुआ है तो उस पर सुना है कि ऑटो पेमेंट नहीं आती डी ए पी की, तो ये क्या साथ है झूठे, इसके बारे में आपको अपडेट। पर क्या ऑटो पेमेंट आती है या नहीं आती जिस पर किसान जिस कार्ड पर किसान कार्ड बना हुआ है? तो भाई जान, उस पर बिल्कुल पेमेंट आती है। कल भी हमारी पेमेंट आई है, तकरीबन 2000 रुपये दो कूपन हमने लगाए थे। तो जिस किसान कार्ड पर हम अगर हम टोकन लगाते हैं, कूपन लगाते हैं, तो उस पर बिल्कुल पेमेंट आती है। जो बंदा ये कह रहा है कि किसान कार्ड पर ऑटो पेमेंट नहीं आती तो वो बिल्कुल भाई झूठ है। और अगर कूपन पड़े हैं तो आप लगा दें, इस टाइम पर रिप्लाई ऑफ है। अगर बाद में आप लगाना चाहें या पहले किसी भाई ने लगाया तो उसकी जो पेमेंट है वो डायरेक्ट अकाउंट में चली जाती है। डायरेक्ट अकाउंट जिसका बना हुआ है, जिस टाइम किसान कार्ड बन जाते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली कनेक्ट अकाउंट बन जाता है, तो कनेक्ट अकाउंट में वो पेमेंट चली जाती है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि आपकी ऑटो पेमेंट किसान कार्ड पर नहीं आती। तो अगर कोई भाई किसी भी भाई के अगर जहन में ये शक था कि पेमेंट नहीं आती तो भाई ये सब झूठ है। मैंने खुद आजमाया है, मेरी सारी पेमेंट तकरीबन जो भी पेमेंट आई है वो एच बी एल कनेक्ट अकाउंट में ही आई है। कल भी 2000 रुपया किसान कार्ड बने हुआ था, हमने उस कार्ड पर लगाए थे ऑटो पेमेंट के लिए, दो कूपन लगाए थे, तो उस दो कूपन की भी पेमेंट हमें वसूल हो चुके। कूपन के बारे में कल भी मैंने अपडेट किया था कि गन्ना को जो कूपन है वो 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहे हैं, 31 दिसंबर से पहले पहले लगा दें। और बात रहेगी पेमेंट की आने की, तो भाई जान इंशाल्लाह उसकी पेमेंट आपको जल्द मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं कि उसकी पेमेंट नहीं मिल रही। भाई डी ए पी जैसे आप डी ए पी का भी आपने इंतजार किया 3-4 महीने, तो इसका भी थोड़ा सा इंतजार कर लें। इंशाल्लाह जो कूपन लग जाएंगे उसकी पेमेंट आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, जो नहीं लगे तो वो तो फिर एक्सपायर हो जाएंगे। जो कूपन उनके आ गए रजिस्ट्रेशन में आ गए तो उनकी पेमेंट आपको जब भी मिलेगी, 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, उसकी पेमेंट आपको लाजमी मिलेगी। और भी कोई सब्सिडी के हवाले से मसला हुकूमत से लाजमी कर रहे हैं, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह आपको लाजमी देंगे। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।